हेलो फ्रेंड्स, सरल भाषा चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। यह कहानी है मथुरा जन्मभूमि की। फ्रेंड्स, हम कृष्ण भक्तों के लिए भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं है, बल्कि हमारी राजधानी तो मथुरा ही है। हमारे कृष्ण भगवान वहीं रहते हैं। हम तो घर से चलते हैं मथुरा तक, दर्शन करते हैं और घर वापस लौट आते हैं, उससे आगे कहीं जाते ही नहीं हैं। ये जो कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये कहानी मेरे मित्र ने मुझे बताई थी, जो कि इंदौर के निवासी हैं। मेरे मित्र एक कट्टर कृष्ण भक्त हैं। उनके परिवार में कृष्ण भगवान से संबंधित जितने भी वार त्यौहार आते हैं, बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। उनके घर पर परमानेंट कृष्ण भगवान की सेवा है। मतलब आप समझ लीजिए कि वह एक डाई हार्ड कृष्ण भगवान के डिवोटी हैं। उनके मन में काफ़ी दिनों से एक प्रबल इच्छा जाग रही थी कि वह मथुरा जाएं और जन्मभूमि मंदिर में कृष्ण भगवान के दर्शन करें। उन्होंने रिजर्वेशन करवाया मथुरा जाने का, क्योंकि वो एक बिज़नेस फैमिली से आते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं। तो उन्होंने एक वन डे प्रोग्राम बनाया, सुबह मथुरा जाना है, शाम की ट्रेन से इंदौर वापस लौट आना है, उनको क्लियर था। अब एज डिसाइडेड वो सुबह पहुँच गए मंदिर प्रांगण में, मंदिर के सामने, और वहाँ पर जाकर वो क्या देखते हैं कि पुलिस वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। बहुत कड़ी पुलिस बंदोबस्त थी। तो उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने एक दो लोगों से इंक्वायर किया तो लोगों ने बताया कि किसी कारणों से आज जनरल पब्लिक को अंदर दर्शन अलाउड नहीं थे। मथुरा में काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि किसी कारणों से जनरल पब्लिक को अंदर दर्शन अलाउड नहीं होते हैं। वो क्या कारण है उसके डिटेल से मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू कंसंट्रेट मोर ऑन माई स्टोरी, सो लेट मी कम बैक टू द स्टोरी अगेन एंड कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो क्या हुआ मित्रों कि वो मेरे मित्र जो हैं वो बहुत ही उदास हो गए। उनके मानो पाँव के नीचे से ज़मीन खसक गई। वो तो ये सोच के गए थे कि भगवान कृष्ण के दर्शन हो पाएंगे, और अब उन्हें लग रहा था कि न जाने अब कितने सालों तक वो मथुरा नहीं आ पाएंगे। ये तो सब क्या संजोग की बातें होती हैं। अगर आपको दर्शन होना होते हैं हो जाते हैं, और नहीं होना होते हैं तो कुछ भी करो नहीं हो पाते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो मेरा फ्रेंड वो महसूस कर रहा था, और क्योंकि उनका टाइट स्केड्यूल था, अगले दिन उनको वापस जाना है और बिजनेस मीटिंग भी है, तो वो ट्रेन को मिस भी नहीं कर सकते थे। अब वो जाकर एक बेंच पर बैठ गए और वो बहुत ही उदास फील कर रहे थे। ही फेल्ट वेरी सैड। उनकी आँखों से आंसू भी आ गए थे और वो बार बार भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि भगवान कुछ ऐसा मिरेकल करो, कुछ ऐसा जादू करो कि मैं मंदिर के अंदर आ सकूं और आपके दर्शन कर सकूं। भगवान प्लीज़ ये सब ठीक कर दो जिससे कि मैं दर्शन कर सकूं। बार बार वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भगवान क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई है कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। वो बहुत उदास हो गए थे, उनके आँखों में आंसू आ गए थे। फ्रेंड्स, तब वो क्या देखते हैं कि उनके समीप एक ग्वाला खड़ा था, लंबा चौड़ा ग्वाला। उसने सिर पर पगड़ी बांधी हुई थी, हाथ में डंडा था, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था वो ग्वाला। ही वॉज अ वेरी हैंडसम पर्सन। उस ग्वाले ने मेरे मित्र से उसके उदासी का सबब पूछा। उसने पूछा कि तुम क्यों उदास हो। तब मेरे मित्र ने सारी घटना उस ग्वाले को बताई। तब उस ग्वाले ने कहा कि तुम्हें सही में दर्शन करने हैं तो मेरे पीछे आ जाओ, मैं अभी तुम्हें दर्शन करवा देता हूँ। मरता क्या ना करता, मेरा मित्र उस ग्वाले के पीछे चल दिया। वह ग्वाला 2-3 गेट्स के अंदर से उन्हें मंदिर के अंदर ले गया। जब मेरा मित्र ग्वाले के पीछे पीछे उन गेट्स को पार कर रहा था, उसे बहुत आश्चर्य लगा कि उस गेट पर एक भी पुलिस वाला उपलब्ध नहीं था। तो उसे ये भी लगा कि हो सकता है कि इस ग्वाले की कुछ जुगाड़ हो। तो वो अपने जेबों को भी खंगाल रहा था, मेरा मित्र, कि अब तो इन्हें सेवा कर रहे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। 500-1000 रुपये कम से कम ये ग्वाला लेके ही मानेगा,
क्योंकि दर्शन करा रहा है। पर उनको लगा कि चलो दर्शन तो हो जाए वो बड़ी बात है। वो ग्वाला मेरे मित्र को राधा कृष्ण जी के मूर्ति के सामने ले गया और मेरे मित्र ने वहाँ दर्शन किए, मन भर के दर्शन किए। फिर वो ग्वाला मेरे मित्र को जन्म स्थान पे लेके आया। जन्म स्थान का बहुत ही महत्व है, यह वही स्थान है जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। मेरा मित्र वहाँ जाकर आत्मविभोर हो गया, वह आंखें बंद करके हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान के मंत्र पढ़ने लगा। जब वो मंत्र पढ़ चुका उसके बाद पीछे पलट के उसने देखा तो ग्वाला वहाँ पे था ही नहीं। पूरे मंदिर प्रांगण में एक भी आदमी नहीं था। वो मेरा मित्र थोड़ा घबरा गया और जल्दी जल्दी एक बार और दर्शन करके बाहर की तरफ आया। जब वो मेरा मित्र बाहर आया तो गेट पर उसे पुलिस वाले मिले और पुलिस वालों ने उससे कुछ बातचीत की, उससे इंक्वायर किया और पुलिस वाले बड़े ही आश्चर्य से उसे देख रहे थे। पुलिस वालों का कहना था कि इतनी कड़ी व्यवस्था उन्होंने सुबह से की थी कि एक पंछी भी अंदर मंदिर के पंख नहीं मार सकता था। फिर वो पूछते थे कि तुम अंदर से बाहर कैसे आ रहे हो, और अगर तुम अंदर से बाहर आ रहे हो इसका मतलब अंदर भी गए होंगे। तो ये उन्हें बड़ा ही आश्चर्य लग रहा था कि ये कैसे हो गया। तब मेरे मित्र ने उनको सारी घटना बताई। पुलिस वाले बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे। उन्होंने मेरे फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो, वो गेट जहाँ से वो ग्वाला तुम्हें ले गया था। तब मेरे मित्र ने उन पुलिस वालों को जाकर वो गेट के पास ले गया उन लोगों को। फ्रेंड्स आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे गेट था ही नहीं, वहाँ पे दीवार थी। मतलब कृष्ण भगवान ने ग्वाले का रूप धर के मेरे मित्र को दर्शन दिए थे। मित्रों, अगर आपकी मनोकामना सही है, अगर आप सही तरीके से कृष्ण भगवान से मदद मांगते हैं, अगर आप उन्हें सही में चाहते हैं, तो भगवान आपको दर्शन देते हैं और आपको ज़रूर ज़रूर मदद करते हैं। यह आपको ये इस कहानी से हमें पता लगता है। तब मेरा मित्र ज़मीन पर ही बैठ गया और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसके आँखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। ये आंसू दोस्तों उसी तरीके के आंसू थे कि एक युग में सुदामा के आंखों से भी बहे थे। सुदामा के आंखों से जो आंसू बहे थे एक युग में, आज मेरे मित्र के आंखों से वही आंसू बह रहे थे। दोस्तों वही आंसू बह रहे थे। सो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी। आजकल क्या है, यंगस्टर्स जो हैं, आज के बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, वो भगवान में विश्वास रखते ही नहीं हैं। वो ज़्यादा स्टाइलिश इसी को मानते हैं दुनिया में बताना कि हम तो भगवान में विश्वास रखते ही नहीं हैं, पर ये बहुत ही गलत चीज़ है। हम भारत के वासी हैं और हमें भगवान में विश्वास होना चाहिए, राइट? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की आस्था थोड़ी मलिन हो रही है या फिर उनकी आस्था कम हो रही है भगवान में, तो ये कहानी अगर उनको सुनने से उनकी आस्था प्रबल हो सकती है, तो प्लीज़ मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। आगे भी मैं काफ़ी सारी स्टोरीज़ आपके लिए लाने वाला हूँ, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली स्टोरीज़ मिल जाएंगी। चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर सच में आपको थोड़ी भी ये मेरी कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। फिर मिलूँगा किसी और दिन, किसी और घटना, किसी और कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।